गाइज वेलकम बैक टू हेमा भुवन ब्लॉग। सो गाइज आज है वीकेंड और मैं और भुवनदा निकले हैं देहरादून एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए। आज देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं। भैया ने बताया कुछ यहाँ पे पहाड़ी पे, ज्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं, छोटी पहाड़ी पे एक मंदिर और कुछ टाइप का कुछ है, खलिंगा द्वार करके। और एक बार देखते हैं क्या चीज है, और वहां से दिखती है दून सिटी पूरी। सो गाइज बने रही है हमारे साथ इस ब्लॉग में, थैंक यू सो मच गाइज। सो गाइज आज था मेरे लिए एक चैलेंज कि पहाड़ पे गाड़ी कैसे चलाई जाए। बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं थी बट कंपैरेटिवली थी, क्योंकि मैंने कभी इस तरफ ड्राइव किया नहीं है और पहाड़ों पे तो स्पेशली कभी नहीं किया, और ठीक ठाक सी हाइट है। और यहाँ से दून सिटी जो है लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। सो हमें लगभग 5 किलोमीटर ऊपर, 5 से 6 किलोमीटर जंगल में चढ़ना है। सो यहाँ पे बताया भैया ने कि यहाँ पे एक युद्ध स्मारक है जो बहुत ही पॉपुलर है, और कोई भी जब यहाँ पे टूर एंड ट्रैवल के लिए आता है तो इस जगह पे भी एक बार ज़रूर आते हैं। और बीच बीच में यहाँ पे भैया ने बताया कि छोटे छोटे जो है एक आधे मंदिर भी हैं, सो उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे देहरादून के ऊपर ये जो सहस्त्रधारा रोड है इसके आसपास ये पड़ता है, वहीं से ही इसकी एंट्री होती है। सो गाइस अब हम पहुंच गए थे बलभद्र खंगला युद्ध स्मारक 1814 नालापानी देहरादून उत्तराखंड। सो गाइस इसकी जो हिस्ट्री है इस बोर्ड पे लिखी हुई है, और यहाँ से पूरी दून सिटी नीचे दिखती है। एक बस इस जगह का ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे 4-व्हीलर की पार्किंग में बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल से एडजस्ट हो पाती है। सो ये है इस रणभूमि का जो है महत्व, और युद्ध स्मारक जो बना हुआ है ये किस कारण से बनाया है ये उसका इसमें पूरा डिटेल दिया गया है। और यहाँ पे कोई भी ऐसी मतलब गलत एक्टिविटी ना करे उसके गवर्नमेंट की तरफ से आदेश दिए गए हैं, क्योंकि सुनसान जगह है और यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व भी आते हैं, तो इसलिए एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। और ये देखिए इतना शानदार यहाँ पर एक पहाड़ी के ऊपर, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतनी नीट एंड क्लीन जगह यहाँ पे बनाई हुई है, और इतनी अच्छी हवा चल रही है। और यहाँ से पूरी देहरादून सिटी जो है वो उसका एक एरिया पूरा दिखता है। सो बड़ा ही एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस रहा, ड्राइविंग में भी बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद हम वापस निकल गए थे, थोड़ी देर यहाँ पर रुके, थोड़ा फ़ोटो सेशन वगैरह किया, और नो डाउट बहुत ही नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छा बना हुआ। 2-व्हीलर्स वाले यहाँ पे बहुत आते हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है, इजी ड्राइव है। तो देखिए आप ये भी टूरिस्ट जो हैं, अभी हमसे गाड़ी के लिए पार्किंग पूछी थी इन्होंने, तो हमने कहा आपने जहाँ लगाई है बैटर लगाइए। उसके बाद हम पहुँचे एक मंदिर में जो हम पहले नहीं आए थे, क्योंकि हमें वहाँ पार्किंग का एक इशू आ रहा था। सो हमने सोचा कि अब आएंगे यहाँ पर पार्किंग देखेंगे, और यहाँ पे हमें क्या था इसके लेफ्ट में मिल गई थी पार्किंग। सो हमने कहा एक बार जो है मंदिर में दर्शन करके फिर चलते हैं घर की ओर, क्योंकि आज हमारा कुछ ऐसा प्लान है नहीं कहीं और घूमने का, क्योंकि ड्राइव भी हो गया काफ़ी लंबा, और क्योंकि ये हमारे जो जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर के आसपास है, और इस तरफ 10-12 किलोमीटर बहुत है। सो गाइस अभी रास्ते में हमको दिखी एक तिब्बतन कॉलोनी, और उसके बाद देखिए यहाँ पर बिल्कुल जब हम पहाड़ चढ़ रहे थे अभी तब हम उस टाइम शूट नहीं कर पाए, तो इस टाइम देखिए कितना इन्होंने हाइट पे कितने अच्छा हाई राइज टाइप अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, और कितना अच्छे से इसको सजाया भी हुआ है। और कुछ यहाँ एक मंदिर भी है छोटा सा। सो गाइस बहुत ही अमेजिंग रहा आज का सफर, और थोड़ी सी चीज देखी, एक दो चीजें ही देखी पर बिल्कुल अमेजिंग देखी। और बिल्कुल पहाड़ों की तरफ फार्म हाउस वगैरह वो सब मैं कवर नहीं कर पाया आज, बट जो एक यूनिक चीज थी मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। सो गाइस यहाँ बहुत सी चीजें हैं, बहुत मतलब चाहे मसूरी रोड पे जाओ और मसूरी की रोड पे जाते हो बहुत सारी चीजें दिखती हैं, पर एक चीज जो आज बिल्कुल यूनिक थी, भैया ने बोला वो मंदिर था, लेकिन मुझे लगा कि शायद मंदिर होगा लेकिन वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज दिखी। तो कोई नहीं, ऐसी चीजें जो भी यहाँ पे हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अपने ब्लॉग के थ्रू। सो गाइस बने रहिए हेमा भुवन ब्लॉग्स के साथ, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।
थैंक यू सो मच गाइस।